सिटी न्यूज झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ की बैठक श्रीमती दिव्या देवी की अध्यक्षता में किरण पब्लिक स्कूल कोल जिहा गिरिडीह में संपन्न हुआ। बैठक के तहत सभी प्रखंड धरना प्रदर्शन के पश्चात जिला स्तर पर दिनांक 7 जनवरी 2023 को कार्यपालक अभियंता प्रमंडल एक के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। तत्पश्चात दिनांक 10 जनवरी 2023 को जिला स्तर पर उपायुक्त गिरिडीह कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में राज्य स्तरीय 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक का रैली में शत प्रतिशत संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचने का निर्देश जल सहिया को दिया गया है। प्रदेश मुख्य संरक्षक श्री अशोक कुमार सिंह ने बताया कि भी जिला के सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आज की बैठक में गिरिडीह जिला के जल सहिया के साथ साथ राज्य के तमाम जिले के जल सहिया से अनुरोध किया गया है कि धरना प्रदर्शन पर जितनी भी संख्या हो सके विरोध प्रकट करें। हाथ में तख्ती पर लिखें कि वर्तमान सरकार जल सहिया के साथ पूर्व निर्णय को बदलकर अन्याय कर रही है, जबकि मानदेय बढ़ाने का आश्वासन देकर सरकार सत्ता में आई है। आज की बैठक में राज्य के जल सहिया संघ से अनुरोध किया गया है कि कम से कम 5 जल सहिया के हस्ताक्षर से प्रत्येक जिले में राशि संग्रह कर उच्च न्यायालय में छोटे वकील हो या बड़ा वकील मुकदमा अवश्य दायर करें, जिसमें अपने जिले के कार्यपालक अभियंता समय पीएचईडी सचिव एवं झारखंड सरकार को पार्टी बनाए। बैठक में यह निर्णय लिए हैं कि राज्य सरकार जो है, जिनको हम बहुत ही महत्वाकांक्षी के साथ इस राज्य में लेके आए थे कि हमारा उत्थान होगा, पर इनके आने के बाद लगता है हमारा स्वरूप ही खो रहा है। जैसा कि हम लोग 11 वर्षों से पेयजल स्वच्छता विभाग की एक इकाई के रूप में गांव स्तर पे काम कर रहे थे, लेकिन लगातार ये हमसे काम करवाते ही जा रहे हैं और इनका प्रोत्साहन जो बनता है वो हमें नहीं मिला। 47 माह से हमारा मानदेय था वो भी हमें नहीं मिला और अब तत्काल में सरकार ये फैसला लेती है कि आपका मानदेय खत्म हो गया है और प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हर प्रखंड में अपना विरोध जताएंगे और यह तब तक जताएंगे जब तक सरकार हमारा पूर्व मानदेय हमें ना दे दे और जल जीवन मिशन में हमारा अपेक्षा ना करे। हम लोग प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किए, इससे हम लोग का तो सरकार हम लोग का कुछ नहीं सुने, इसलिए अब हम लोग जमीनी स्तर पर आ गए हैं, क्योंकि जमीनी स्तर से शुरू करके अब फिर राज्य स्तर तक का फिर हंगामा शुरू करेंगे। कर्मचारी संघ का राज्य स्तर पर आंदोलन, जिला स्तर पर आंदोलन, प्रखंड स्तर पर आंदोलन 5 सूत्री मांगों को लेकर बराबर चल रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि झारखंड सरकार ने जो पूर्व से मानदेय मिल रहा था 1000 रुपया मासिक, उसको बंद कर दिया, और बंद ही नहीं कर दिया बल्कि बकाया मानदेय जो कार्य करने का टाइम का 48 महीने का था वो भी भुगतान नहीं किया गया। प्रोत्साहन राशि जो मिलता था वो भी बीच का राशि उड़ा दिया। हेराफेरी की जांच को लेकर तमाम मुद्दे पर अब एक नई रणनीति तैयार किया गया है, क्योंकि रांची बार बार जल सहिया नहीं जा सकती है और सरकार चाहती थी कि ये रांची आकर के थक जाए, इसलिए हम लोगों ने रणनीति में बदलाव कर दिया कि अब हम प्रखंड स्तर पर तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक ये मंत्री रहेंगे। और अभी प्रथम चरण में 10 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक का कार्यक्रम बनाकर पोस्टर आपके सामने है कि हर प्रखंड में प्रखंड स्तर पर धरना चलेगा, जिला स्तर पर चलेगा, कार्यपालक अभियंता के यहाँ चलेगा, और यह फिर दोबारा यानी साफ शब्दों में कहा जाए कि 24 का इलेक्शन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक झारखंड की 35,000 जल सहिया आंदोलन करके सरकार को दिखाएगी कि मेरे साथ धोखेबाजी करने का अंजाम क्या होता है। जब पूर्व की सरकार ने 1000 रुपया मासिक मानदेय दिया था तो वर्तमान सरकार को 1000 रुपया मासिक मानदेय लेने का कोई औचित्य नहीं था, खासी कम से कम तो करोड़ों रुपये का हेरफेरी किया गया है प्रोत्साहन और कमीशन राशि में, इसकी जांच की भी मांग है। और आज तक मात्र एक पीस साड़ी पोशाक के नाम पर दिया गया है, जबकि भारत सरकार के जल स्वच्छता मिशन में कई तरह का आवंटन दिया गया है। इसी बिंदु को लेकर आज जिला स्तर की इनकी बैठक है, तमाम जगह पोस्टर वितरण कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, हर ब्लॉक को पोस्टर भेजा जा रहा है, हर वीडियो और उपायुक्त को नोटिस भी दिया जा रहा है।